दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर शुरुआत में जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी, साथ ही कुछ अहम खबरों को विस्तार से जानेंगे, अच्छी खबर आपको बताएंगे और प्रदेश की 25 अहम खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर का रुख करते हैं जो पंजाब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लुधियाना में संत रणजीत सिंह डंडरियालवाला पर हमला हुआ है। हमले में वो बाल बाल बचे हैं और इसके साथ ही हमले में डंडरियावाला के साथी की मौत हो गई है। डंडरियावाला ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। इसके साथ साथ पुलिस ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए अगली अहम खबर का रुख करते हैं। यहां आपको बता दें कि ये खबर पंजाब के लोगों को कहीं ना कहीं खुशी जरूर देगी, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री ने कामा गाटामारू कांड के लिए आज सिख समुदाय से माफी मांगने की बात कही है। 102 साल पहले जापानी पोत कामा गाटामारू यात्री कनाडा में शरण चाहते थे, लेकिन उन्हें कनाडा ने अपने देश में घुसने नहीं दिया था। जब वो भारत वापस गए थे तो अंग्रेजों ने अनुमति नहीं दी, ब्रिटिश फौज ने गोलीबारी की, कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी और इस पूरे प्रकरण को लेकर आज जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो माफी मांगेंगे। बढ़ते आगे, अगर अगली अहम खबर की बात करें तो बाबा हरदेव सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बाबा हरदेव सिंह जी की पत्नी सतविंदर कौर संत निरंकारी मिशन की अब प्रमुख होंगी। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत में पंजाब की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिख धर्म के प्रचारक संत रणजीत सिंह डंडरियावाला के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। भाई रणजीत सिंह तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक साथी की मौत हो गई। इस हमले के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं डंडरियावाला ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई ये कार संत रणजीत सिंह डंडरियावाला की है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर संत डंडरियावाला के काफिले पर हमला किया। इस हमले में संत रणजीत सिंह डंडरियावाला बाल बाल बच गए, पर उनके एक समर्थक की मौत हो गई। ये हमला उस वक्त हुआ जब संत रणजीत सिंह लुधियाना के साउथ सिटी इलाके से गुजरते हुए पिंड ईसेवाल की तरफ एक धार्मिक समागम में हिस्सा लेने जा रहे थे। संत रणजीत सिंह के मुताबिक ये हमला पूरे प्लान तरीके से किया गया और हमलावरों ने 4 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। कुछ भी लगी हुई सी, वो फ्रूटियां वगैरह लोगों को पियांदे सी, उठे सी भी अपनी गड्डी रोकी ते सारीयां गड्डियां रोकीयां। जदों उन्होंने देख लिया अगली गड्डी को पूछया बाबा जी किस गड्डी च ने, पता लग गया पिछली गड्डी च ने। उन्होंने साडियां गड्डियां वेखन सार प्लेटां थल्ले सिटतीयां, टेंट दे पिछे लुके बंदियां नूं बुलाया, गड्डियां साडे अगे ला लईयां, कातलाना हमला साडे ते कीता राड़ां दे नाल। बहुत बुरी तरह हमला होया जिहदे विच ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਕਲੋ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾ ਲਹਿਰਾਓ। ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨੋਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਹਰ ਪਕਸ਼ ਸੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕੇ ਗਾੜੀ ਦੁਰਾ ਲਓ, जैसे गाड़ी दुराई तो आगे इनके एक सफारी गाड़ी निकली, उन्हें फ्रंट से भी फायर किया। तो इनके पीछे आए तो उनके गोल्ड तरह की टर्बन बांधी हुई थी जिसको दुमाला बोलते हैं, और उन्हें जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने खालिस्तान के नारे भी लगाए। तो ये इंसिडेंट कोई तकरीबन 8 बजे के आसपास का है। इस हाई प्रोफाइल हमले के बाद सियासी प्रतिक्रम भी आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर और हिम्मत सिंह शेरगिल ने ट्वीट करके राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने इस संबंध में डीजीपी सुरेश अरोड़ा से बात की है। इस हाई प्रोफाइल हमले के बाद पुलिस पूरी तरह चौकस हो गई है। संत रणजीत सिंह की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना।